दोस्तों, इस टाइम इंडियन रेलवे में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है और कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है ताकि इंडियन रेलवे को और बेहतर बना सके। आज की जो वीडियो है ये अपडेटेड वीडियो होगी इंडिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट के बारे में जो कि होगा EDFC। नहीं, इस वीडियो में मैं डबल टैक की बात नहीं करूँगा, मुझे पता है आप लोग बहुत हो चुके हैं, बट फिर भी। तो फिलहाल हूँ मैं मुजफ्फरनगर सहारनपुर रेल लाइन पर, क्योंकि जैसा आप लोगों को पता है कि जो EDFC का वर्क है वो लगभग 5 राज्यों से, यानी कि बंगाल, हरियाणा, UP, पंजाब और बिहार से होकर गुजरेगा। तो जो यूपी में जो स्टेट पड़ेगी वो होगा हापुड़ मेरठ बाईपास, मुजफ्फरनगर बाईपास, सहारनपुर बाईपास। तो ये वीडियो जो होगी वो उसी के बारे में है। फिलहाल मैं हूँ मुजफ्फरनगर टू सहारनपुर रेल ट्रैक पर और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि EDFC का वर्क कैसे चल रहा है। दोस्तों, इस टाइम मुजफ्फरनगर से सहारनपुर के बीच पर दो कार्य हो रहा है, यानी कि एक मुजफ्फरनगर टपरी डबल ट्रैक और दूसरा हो रहा है इंडिया का सबसे बड़ी प्रोजेक्ट ईस्टर्न डेडिकेटेड ट्रैक कॉरिडोर। डबल ट्रैक का काम तो अपने लेवल पर चल रहा है और देवभर तक ये ट्रैक लगभग 20 मार्च 2020 के लास्ट तक पूरा हो जाएगा और उस पर ट्रैक चले जाएंगे और दिसंबर 2020 तक टपरी तक डबल ट्रैक पूरा हो जाएगा और इस पर भी डबल ट्रैक पर ट्रेनें जल्दी चलने लगेंगी। बात करते हैं EDFC यानी कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का, तो इसकी जो एस्टिमेटेड डेट रखी गई है वो है 2021 तक, यानी कि दिसंबर 2021 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। बट मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो मेरे बराबर में जो लाइन चल जाएगी, जो प्रोजेक्ट जाएगा मुजफ्फरनगर बाईपास यानी कि जड़ौदा से होते हुए ये निकलेगा राणा चौक बाईपास से और फिर रोहाना के आसपास ये कहीं जाकर फिर से स्टार्ट होगा सहारनपुर बाईपास, क्योंकि एरिया का मानने की वजह से इस ट्रैक को सिंगल बनाया जा रहा है और ये जो है मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के बाईपास से निकाला जाएगा। तो फिलहाल देखिए, मैं इस वीडियो में देखिए आप कि जो रोहाना से जा रहा है ट्रैक पर काम चल रहा है, बट फिलहाल उस लेवल का काम नहीं चल रहा है। फिलहाल जो अगर मैं अपडेट मोटी मोटी अगर बात करूं मैं, तो फिलहाल जो प्लेनिंग का काम भी, जो ट्रैक बिछाने के लिए जो बेस बनाया जाता है उसका भी काम पूरी तरह से अभी नहीं हो पाया है, उस पर भी अभी काम चल रहा है। देवभर तक अगर EDFC की बात करूँ तो फिलहाल जो काम है वो प्लेनिंग का हुआ, यानी कि जो बेस है वही रखा गया है। और अगर देवभर से टपरी की बात करूँ तो वहाँ पर भी अभी यही हुआ है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं मेरे लेफ्ट में जो है वो एक तरफ डबल टायर का काम चल रहा है और प्लेटफॉर्म बना है, दूसरी तरफ अगर आप देख सकते हैं तो बेस भी बना हुआ है जो कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए है। ये ट्रैक टपरी से होते हुए सीधा जगाधरी बाईपास तक बाईपास पर निकलेगा, यानी कि जगाधरी यमुनानगर जगाधरी जो है वहाँ पर ये ट्रैक मिलेगा और फिर अंबाला से होते हुए ये लुधियाना तक निकल जाएगा जो कि EDFC का लास्ट टर्निंग पॉइंट है। 2020 तक मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी काम हो पाए, क्योंकि अभी तक बहुत काम बाकी है, अभी कहीं काम शुरू भी नहीं हुआ है। और जो नेक्स्ट अपडेट होगी वो मैं दूंगा कि मेरठ से सहारनपुर के बीच में कितना अभी लेटेस्ट काम हो चुका है। ये जो वीडियो थी ये थी नवंबर 8 2018 की, जो कि मैंने ली थी जब मैं ट्रैवल कर रहा था मुजफ्फरनगर से सहारनपुर के बीच में, तब मैंने इस वीडियो को लिया था। और अभी देखिए, अभी थोड़ा सा जो काम है वो थोड़ा अभी अवेलेबल पर है, क्योंकि मुझे जानकारी मिली कि काम अभी और तेजी से पकड़ रहा है, बट फिर भी अगर आप देख सकते हैं तो काम अभी उस लेवल का नहीं हो पा रहा है। काम चल रहा है बट उस लेवल पर नहीं चल रहा है जो उस लेवल पर होना चाहिए। बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस बीच में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको क्या लगता है कब तक ये काम हो पाएगा, हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर आपके पास कोई अपडेट है तो शेयर कीजिए मेरे साथ कमेंट सेक्शन में, मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।